प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 गणित। अध्याय का नाम है क्षेत्र मिति और प्रश्नावली 9.2 है। बच्चों, इसमें हम जो त्रिआयामी आकृतियां हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रश्नावली में हम निकालना सीखेंगे बच्चों, और इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपके ये प्रश्नावली समझ में आएगी और इसे आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हो साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, दो घनाभ आकार के डिब्बे हैं। हमारे पास दो डिब्बे हैं ये घनाभ के आकार के। तो बच्चों, इनके क्षेत्रफल के फार्मूले हमने इससे पहली वीडियो में देख लिए हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और वहां से फार्मूले समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम एक्सरसाइज ही करवाएंगे। तो इसमें देखिए, अब ये हमारे पास घनाभ दिया गया है, एक ये घन है, ये घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ये इसकी एल है लंबाई, ये चौड़ाई है बी, और H ये 50 है ऊंचाई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसको घनाभ को बनाने में या इस घन को बनाने में किसको बनाने में ज्यादा सामग्री लगेगी, किसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, ये हमने बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए, पहला जो है घन, इसे घनाभ बोलेंगे क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो घनाभ A की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है क्रमशः, ये कितनी, 60, 40 और 50 सेंटीमीटर। तो हमने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2LB जमा BH जमा HL। तो L आपने 60 लिखना, बी आपने 40 लिखना, एच आपने 50 लिखना। तो हमने इसमें एल और बी और एच का मान रख दिया। तो इसको देखो, 2 60 गुना 40, 40 गुना 50 और 50 गुना 60। तो जब 60 और 40 को गुणा किया तो 2400 आ गया, जब 40 और 50 को गुणा किया 2000, और ये 3000 आ गया। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7400 आएगा बच्चों अंदर। तो 7400 को 2 से गुणा करना है आपने, कितना आएगा 7400, इसको आपने 2 से गुणा करना है, तो आपके पास आंसर यानी इसका क्षेत्रफल आएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर अब हमने इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये घन है बच्चों, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर दी गई हैं, इसकी लंबाई 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 है बस। तो हमने लिखना है घन बी की भुजा या लंबाई एल 50 सेंटीमीटर है। तो घन बी का कुल क्षेत्रफल या घन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने लिखना है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा L² फार्मूला होता है बच्चों ये। तो एल का मतलब है 50, तो आपने यहां लिखना है 6 गुणा 50 गुणा 50, ठीक है। तो आपके पास 5 गुणा 5 25, 25 को 6 से गुणा करना तो 25 छीका 150 होते हैं बच्चों। तो 150 तो ये हो जाएगा, और 2 जीरो हो रहे हैं, तो ये 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है या इसका। तो ये देखिए, ए आकृति का क्षेत्रफल तो आया 14800 और बी आकृति का आया 15000। तो आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है, तो आप यहाँ पे ये लिख लीजिए। तो बच्चों, आप ये लिख लीजिए, आता है आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि आकृति बी जो है घन है और उसका क्षेत्रफल ज्यादा आया हमारे पास, अधिक आया, इसलिए आप ये आंसर लिख लीजिए और इसे आप अपनी कॉपी पे कर लीजिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, देखें आप। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है ये,
एक 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप के एक सूटकेस, ठीक है, सूटकेस है एक, उसको हमने तरपाल से के कपड़े से ढकना है, यानी उसका हमने एक कवर बनाना है जिसके अंदर सूटकेस आसान आ जाए। तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता हमें पड़ेगी, यानी हमें इस तरह के 100 सूटकेस बनाने के कवर बनाने हैं, और जो तिरपाल लेके आएंगे ना मार्केट से वो 96 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है, तो वो हम कितनी लंबी लेके आए उसकी लंबाई निकालनी है ताकि हम उसके इन सूटकेसों के 100 सूटकेसों के कवर बना सकें ढकने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास है, हमने लिखा है सूटकेस की बीमाएं। सूटकेस की बीमाओं का मतलब है कि सूटकेस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें जो दी गई है वो हमने लिख दी है। तो इसमें देखिए बीमाएं एल बी एच हैं 80 सेंटीमीटर, 48 और 24 सेंटीमीटर इसकी बीमाएं हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सूट हमने निकालना है, एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये घनाभ के आकार का है, सूटकेस कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है, तो आप घनाभ इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सूटकेस है, क्या है बच्चों, तो ये घनाभ के आकार का होता है, इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा 2 LB जमा BH जमा HL। तो यहाँ पे L जो है 80 लिखना, B 48 और H 24, तो इनको हमने लिखा, फिर 80 और 48 को गुणा किया 3840 आ गया, 48 गुणा 24 किया 1152 आ गया, और 24 गुणा 80 किया 1920 आ गया। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, पहले 3840 जमा 1152 जमा 1920, तो इन सबको जोड़ के तीनों को 6912 आ जाएगा। फिर इसको 2 से गुणा करना है, तो ये 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब ये कह रहा है कि 100 सूटकेसों को लिए निकालें। अब एक सूटकेस का तो ये आ गया, फिर 100 सूटकेसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 100 सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 13824 गुणा 100, यानी एक सूटकेस का 13824 है और 100 का कितना होगा, इसको 100 से गुणा करेंगे, 13 ये आ जाएगा 138000 या 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 100 सूटकेसों का। फिर हमने 96 सेंटीमीटर तरपाल, जैसे हम कपड़ा लेके आते हैं, ठीक है, हम तो हमने 100 सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल लिया, इतना आ गया। अब जब भी कपड़ा लेके आते हैं ना तो थान होता है, जैसे गोल लिपटा हुआ, तो वो फिर केवल लंबाई मापता है, उसकी चौड़ाई उसको पता है, तो ये वैसे ही है, ये कपड़ा है, जैसे इसके 96 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई है, तो ये कह रहा है इसकी कितना लंबा कपड़ा लें, हम लंबाई निकालनी है। तो अब हमारे पास जैसे सपोज करो ये टोटल कपड़ा है, 100 सूटकेसों के लिए लगेगा कपड़ा, तो इसका टोटल क्षेत्रफल है क्या ये, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई है हमारे पास ये, इसकी लंबाई निकालनी है, तो आयत का क्षेत्रफल है ये, एक तरह से आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने 96 सेंटीमीटर चौड़ाई की जो तरपाल है उसकी लंबाई निकालनी है, तो
उसकी लंबाई आ जाएगी, जो कुल क्षेत्रफल आया उसको चौड़ाई से भाग देना हमने। तो कुल क्षेत्रफल को चौड़ाई से जब भाग देंगे 96 से, तो ये आ जाएगा 14,400 सेंटीमीटर, यानी आवश्यक कपड़े की लंबाई होगी, आवश्यक तिरपाल के कपड़े की लंबाई बराबर होगी 14,400 सेंटीमीटर ओनली। क्या होगी? क्योंकि लंबाई है ये सेंटीमीटर में आएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। देखो बच्चों, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारे पास घन है, तो इसमें जैसे घन हमने बनाना है, तो आप ऐसे बना सकते हो घन, आपने स्क्वायर बनाने हैं 2 वर्ग, फिर इस तरह से बना दिए, फिर इसको आपने यहाँ से मिलाना है ऐसे, फिर इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, और इसको इससे, तो ये क्या बन गया? घन। तो इसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है इसकी एक भुजा एल निकालें, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख लेंगे बच्चों 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो हम लिखेंगे माना भुजा, माना घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है बच्चों? एल मान ली हमने, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो बच्चों हमने क्या किया, घन की भुजा को एल मान लिया है। क्या मान लिया है बच्चों? तो इसमें देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 600 दिया गया है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 6 गुणा एल स्क्वायर, या 6 गुणा एल भी लिख सकते हो आप इसे, और ये 600 के बराबर है, 600 के इक्वल दे रखा है। तो 6 को हम इधर ले जाएंगे, 600/6 हो जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? 100। तो एल स्क्वायर बराबर 100 आ गया। तो एल निकालना है हमने, तो एल स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 100 आ गया, तो एल स्क्वायर को हमने लिखना है एल गुणा एल, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, ठीक है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर रह गया, एल स्क्वायर बराबर 10। तो एक एल 10 के बराबर, ये इसके बराबर, यानी एल का मान यहाँ से 10 आ जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, तो एल बराबर 10 आ जाएगा। तो एल क्या माना था हमने? घन की भुजा। तो घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर आ गई, तो यही हमने निकालना था बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए समझ लिए इसे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहता है ये। रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। तो ये हमारे पास पेटी है, रुखसार ने इसके ऊपर पेंट किया है। तो जब उसने पेंट किया है ना, तो उसने ऊपर भी पेंट किया, यहाँ भी और इसके चारों तरफ भी, लेकिन उसने नीचे पेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये कहता है कि उसने सभी जगह से पेंट किया, लेकिन तल को पेंट नहीं किया, यानी उसकी जो तली है नीचे, उस वाले फलक पे पेंट नहीं किया, तो उसको छोड़ना है हमने। तो उसने कहा कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया, तो हमने क्या लिखा? पेटी की विमाएं या पेटी के माप आप लिख सकते हो, तो आ जाएगा 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। तो हमने इसको लंबाई मान लिया, एल 1 मीटर है, बी इसको 2 मीटर मान लिया, और एच 1.5 मीटर। तो
तो अब हमने क्या करना है बच्चों, एक तो इसका क्षेत्रफल निकालना सामने वाले का और इतना ही पीछे वाले का होगा इसके, एक इसका निकालना और एक इसके दूसरे, ठीक है, और एक ऊपर वाले का निकालना है, नीचे वाले का नहीं निकालना। तो देखो इसका क्षेत्रफल ऊपर वाले का आएगा, ये तो है इसकी बी, क्या है बी, और ये एल है, ठीक है, तो ऊपर वाले का आएगा एल गुणा बी और उतना ही नीचे वाले का आएगा, लेकिन नीचे वाले का नहीं करना हमने, तो एल बी इसलिए मैंने एक बार लिखा, तो पेंट किए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा एल बी जो है एक बार आएगा, बाकी सारे दो दो बार आएंगे, तो जमा दो बी एच जमा दो एच एल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एल बी एच की मान रखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो चलिए इसका मान रख लेते हैं। तो बच्चों हमने इनको गुणा किया, इनका मान रखा पहले, तो एल जो है एक है, बी की जगह दो लिख दिया हमने, और यहाँ बी और एच, तो यहाँ पे दो ये आ गया, बी है दो और एच है 1.5, फिर ऐसे ही एच का मान यहाँ पे 1.5 और एल एक रख दिया, तो 2 × 1 दो आता है, और 2 × 2 × 1.5 इनको गुणा किया, क्योंकि 1.5 का मतलब है एक और आधा, इसको 2 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 × 2 = 6, फिर ऐसे ही आधे का ये एक और आधा है 1.5, यानी 1.5 × 2 = 3, ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा 2 × 6 × 3, इनको जमा करेंगे 11 m² इस संदूक का क्षेत्रफल आ गया जहां पे हमने पेंट किया है, तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको क्वेश्चन को समझ लें पहले, क्या पूछ रहा है ये, डैनियल एक ऐसे घनाभ आकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट करना है, ठीक है, डैनियल पेंट करेगा दीवारों को, 4 दीवारें होती हैं और एक छत, तो इसको करेगा, फर्श को वो पेंट नहीं करेगा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है कमरे की, ये कमरा हमने बनाया, जैसे इसकी लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 7 m, तो इसमें पेंट करना है इसने 4 दीवारों पे और एक छत पे, ठीक है, तो हम फर्श के क्षेत्रफल को घटा देंगे, बाकी 5 जो फेस हैं 5 जो तल हैं उनका क्षेत्रफल आ जाएगा, उनको ऐड करेंगे, तो ये कह रहा है कि एक कैन लेके आते हैं ना जो पेंट की, एक पेंट का एक डिब्बा जो लेके आते हैं, उससे 100 m² क्षेत्रफल पेंट होता है, तो उसे कितनी कैन लेके आनी पड़ेगी, कितनी उसको पैकेट लेके आने पड़ेंगे पेंट के, तो वो निकालना है बच्चों, तो उसके लिए देखिए हमने लिख लिया है कमरे की माप, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 लंबाई है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 7 m, तो फिर कमरे और कमरे की छत और दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या लिखा, इसके माप लिख लिए पहले तो कमरे के एल बी एच, फिर उसके बाद है हमने कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकालना है, तो कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा एल बी जमा बी एच 2 BH जमा 2 HL, तो एल बी हमने एक बार क्यों लिया, क्योंकि हमने फर्श का क्षेत्रफल नहीं लेना, केवल छत का क्षेत्रफल लेना है, तो अब हमने एल बी एच, एल की जगह पे 15, बी की जगह पे 10 और एच की जगह पे 7 लिख दिया, तो देखिए हमने इनका मान रखा, तो इनको सॉल्व करके 15 × 10 = 150, 2 × 10 × 7 = 140 और 2 × 7 × 15 = 210, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 500 m² आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद अब ये कह रहा है कि एक कैन की सहायता से वो 100 m² क्षेत्रफल पेंट कर सकता है, लेकिन हमने करना 500,
तो 100, एक से तो 100 हो रहा, तो 500 कितने से होएगा? 5 से। तो हम निकालेंगे जितनी पेंट कैनों की आवश्यकता होगी, तो वो मार्केट जाएगा ना, तो पहले उसने हिसाब लगा लिया भाई इतने कैन लेके आनी है मैंने, तो फिर उसने पूरी पूरी 500 तो क्षेत्रफल है टोटल हमारा, और एक कैन से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पेंट हो रहा है, तो 500 को 100 से भाग देंगे तो 5 कैन की आवश्यकता होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए बच्चों, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया इसने, पहले क्वेश्चन समझ ले आप लोग। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है। तो हमने बतानी है पहले तो ये दोनों आकृतियां कैसे एक समान है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि दोनों समानता क्या है इसकी, कि दोनों ठोस आकार की हैं, दोनों ठोस आकार की हैं, या दोनों त्रि आयामी हैं, यानी दोनों 3 आयाम की होती हैं, या दोनों ठोस आकार की वस्तुएं हैं, ये इन दोनों में समानता है। फिर असमानता में आप लिखोगे कि एक तो बेलन है या सिलेंडर है, और दूसरा घन है या क्यूब है, ठीक है। तो ये दोनों में असमानता होगी। फिर ये कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इसमें हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पार्श्व का मतलब है कि इसका भी हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल नहीं निकालना, यानी ऊपर और नीचा क्षेत्रफल हमने नहीं निकालना, तो इसलिए यहां भी हमें 4 लिखना पड़ेगा। तो जो बेलन होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसमें देखिए इसमें हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले बेलन का। तो बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला है हमारे पास 2 पाई आर एच, 2 पाई। तो 2 पाई आर एच में पाई का मान होता है बच्चों 22/7। तो ये फार्मूले मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हो। तो 2 लिखा मैंने पाई की जगह पे 22/7, और आर यहाँ पे कितना है, 7 जो है व्यास है बच्चों, तो आर इसका आधा होता है 7/2। कितना होता है बच्चों, 7/2 आर है, त्रिज्या है। और एच जो है इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई 7 है इसकी, तो यहाँ पे हम 7, 2 से ये काट देंगे, 7 से 7, और 22 को 2 से भाग देंगे, या 2 से ये काट दो आप, ठीक है। तो 22 को 7 से गुणा करना, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आकृति 2 का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आएगा बच्चों, इसमें हमने ऊपर और नीचे, यानी जैसे छत और जो हमारे पास तल है नीचे वाला, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना, तो हमारे पास 4 L² आएगा। तो 4 × L × L, L का मतलब है 7 × 7, तो यह 49 × 4, 49 × तो इनको गुणा करें कितना आएगा। तो देखिए इसको जब हमने 49 और 4 को गुणा किया तो हमारे पास 196 सेंटीमीटर² आ गया इसका क्षेत्रफल। तो घन जो आकृति 2 घन है, यानी दूसरी आकृति में घन है, इसका क्षेत्रफल 196 आया, और जो आकृति 1 बेलनाकार है उसका 154 सेंटीमीटर² आया है। तो इसमें हमने देखा जो घन वाली आकृति है, जो 2 आकृति है, उसका पार्श्व क्षेत्र अधिक आया है, और वो कितना आया, 196। तो आपका ये आंसर आ गया आपके पास। इसने पूछा था कि कौन सी आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ये दूसरे वाली का ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा इसने कि एक 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक है, एक टैंक है बंद बेलनाकार, जिसकी
त्रिज्या दे रखी है बेलनाकार टैंकी 7 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। तो इसको टैंक को बनाना है, उस बनाने के लिए धातु की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कितनी धातु की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमारे पास ये टैंक है एक बेलनाकार, यहाँ से ऐसे और नीचे से भी बंद होगा, ये ऊपर से भी बंद होगा, पूरा टैंक होगा। तो इसको बनाने के लिए तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या लिखेंगे 7 मीटर है, इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर है, ठीक है। तो ये त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर और ये 3 मीटर है ऊंचाई। तो आवश्यक धातु का क्षेत्रफल जो होगा वो बेलन का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 वृत्त आ जाएंगे, इसमें 2 πr², एक ऊपरला वृत्त है πr², एक निचला, तो दोनों का 2 πr² हो जाएगा और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 πrh। तो इनको करेंगे तो पाई की जगह हमने 2/7 लिखना, आर स्क्वायर का मतलब है 7 × 7 और 2 πकी जगह 2/7 गुना आर है 7 और एच है 3। तो 7 से 7 हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ भी 7 से 7 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 × 14, 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 × 28 होते हैं बच्चों, और 14 × 28 और 2 = 30, फिर जमा 3 × 6, 6 × 12 और 6 × 12 और 1 = 13। तो इनको जोड़ो तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा धातु का 8 × 2 = 10, 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 4 और 440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा 440 m² इसकी धातु का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है।